हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एवरीडे न्यू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। DRDO की तरफ से न्यू रिक्वायरमेंट 2021 का निकाला गया है। इसका सेंट्रल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स की तरफ से निकाला गया है। इसमें आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर दे दिया गया है। इसका 15 नवम्बर को ही इसका रिलीज कर दिया गया था। तो इसका फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। इसका DRDO.gov.in पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। RSC.gov.in पर भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस फॉर द ईयर ऑफ 2021 to 2022। अप्रेंटिस वैकेंसी के लिए आपको यहाँ वैकेंसी निकाला गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग BE BTech जो कैंडिडेट पास आउट किए हैं उनके लिए आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में आपको टोटल वैकेंसी 24 दिया गया है। इसमें एज लिमिट आपका रहेगा 18 से मिनिमम 18 से 27 वर्ष दिया गया है। OBC कैंडिडेट के लिए 30, SC ST के लिए 32, NPW कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष का दिया गया है। इसके साथ आप देख सकते इलेक्ट्रॉनिक्स में उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटल टेलीकॉम इंजीनियरिंग में आपको 8 वैकेंसी दिया गया। इसमें भी आपको एज जो दिया गया था वही है। उसके तहत आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक पोस्ट दिया जाता है। उसके साथ आपको टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, कंप्यूटर नेटवर्किंग किए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल एक पोस्ट दिया गया। एज लिमिट इसमें 18 से 27 वर्ष, OBC कैंडिडेट के लिए 30 वर्ष से, SC ST के लिए 32 वर्ष, PWD कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष दिया गया है। इसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें तो आपको डिग्री दिया गया था। तो इसमें डिप्लोमा में आप देख सकते हैं ये डिप्लोमा कैंडिडेट इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड स्टेट काउंसिल बोर्ड से पास आउट किया होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके तहत आप देख सकते हैं यहाँ नीचे इसका इंपॉर्टेंस इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन BE BTech डिप्लोमा के मॉडरेटरी के लिए आप देख सकते हैं मॉडरेटरी क्या करना पड़ेगा, एलिजिबल अप्लाई कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल्स दिया गया। तो इसमें स्टाइफेंड जो मंथली का रहता है उसका आपको ट्रेनिंग पीरियड में आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है। BE BTech के लिए आपको 9000 रहेगा, 9000 पर मंथ रहेगा। डिप्लोमा के लिए 8000 पर मंथ दिया गया। उसी तरफ मेडिकल फिटनेस रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस BE BTech के लिए डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग डिपेंडिंग ऑफन वैकेंसीज अवेलेबल वायरस सेक्शन कैंडिडेट कैरियर आउट शॉर्ट लिस्ट के द्वारा आपको किया जाएगा। उसी के साथ आपको जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी के लिए तो उनको मेल किया जाएगा सिलेक्शन कैंडिडेट के लिए। तो हाउ टू अप्लाई कैसे करें उसके बारे में फुल डिटेल्स दिया गया है। इसमें कैसे अप्लाई करें तो नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लो उसके बाद ही अप्लाई करें। इसका PDF लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन भी आपको दे दिया गया, नो अप्लाई क्या है उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। 10th मार्कशीट, BE BTech डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD है तो फोटो ID प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, EWS 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। उसके तहत आप इम्पोर्टेंट डेट भी देख सकते हैं। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 दिसंबर 2021। इसका पब्लिश शॉर्ट लिस्ट होगा 16 दिसंबर 2021। इसका एसोसिएशन ज्वाइनिंग में आपको 20 दिसंबर 2021। इसी तरह आपको डिटेल्स आपको जो इम्पोर्टेंट डेट दिया गया आपको यहाँ मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड इस यूट्यूब चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।